हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं एकता और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल बथुआ साग की रेसिपी। बथुआ में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए इसको किसी भी फॉर्म में अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसको मैंने बहुत ही हेल्दी और ईजी तरीके से बनाने की कोशिश की है। जैसे मैं बनाती हूँ उस मेथड को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बथुआ को वॉश करके चॉप कर लिया है, क्योंकि चॉप करके इसको वॉश नहीं करना है, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे। और दाल को लिया है क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। सॉल्ट लिया है और चिली इसको चॉप कर लिया है। सारे चीज़ों को हम कुकर में डाल देंगे क्योंकि हमें पहले इनको बॉईल करना है। तो मैं ये बथुआ को डाल दे रही हूँ कुकर में। इसके बाद में ये दाल, मैंने ये मूंग की दाल ली है। आप चाहें तो कोई भी दाल ले सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये सॉल्ट डाल दिया है, ग्रीन चिली भी डाल के, और थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये बंद करके कुकर को भी गैस पे रख देंगे इसको बॉईल होने के लिए। दो तीन सीटी के बाद में इसको ठंडा होने के बाद में निकाल लेंगे। ये बॉईल बथुआ दाल और चॉप्ड टमेटोज हैं और अनियन लिया है, इसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। गार्लिक और जिंजर को ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है। ये मस्टर्ड सीड है, क्योंकि तड़का लगाने में इनका अपना अलग फ्लेवर होता है। ये क्यूमिन सीड है, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। ये होल रेड चिली, इसको भी थोड़ा सा चलाएंगे। ये जो हमने गार्लिक और ग्रेटेड जिंजर रखी थी उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ऐसे ही भूनेंगे इसको। और जो अनियन रखा था चॉप करके, वो भी मैंने डाल दिया है, उसको भी भूनना है। इसे चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो जल जाएगा। चलाते रहेंगे इसको। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला है, अभी ये गोल्डन ब्राउन हो गया है अनियन। यहाँ पे स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ, ये टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अभी इन सारे मसालों को भून लेंगे अच्छे से। मसाले भुन गए हैं अच्छे से, बस चलाते हुए इसको, स्मेल नहीं आनी चाहिए कच्चे। अभी अच्छे से भुन गए हैं। अभी जो चॉप्ड टमेटोज रखे थे उनको भी डाल दिया है, इनको कुक करना है टमेटोज को। तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल ली हूँ, इससे ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। ये थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। आप चाहें तो इसको कवर करके भी कुक कर सकते हैं। इसको ऐसे करके मैश कर देंगे टमेटोज को, क्योंकि टमेटो अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे तो उसमें जो साबुत टमेटो नहीं आएंगे, दिखने नहीं चाहिए बड़े बड़े पीसेस टमेटो के। अच्छे से मैश कर दिया मैंने इनको,
अच्छे से हो गए कुक। अभी जो बॉयल बथुआ और दाल थी उसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी चलाएंगे अच्छे से। और ये अभी 20 की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है, अभी इसको थोड़ा चला चला के इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। सबका अपना बनाने का अलग अलग तरीका होता है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैंने अपना मेथड शेयर किया है। ऑलमोस्ट हो गया है। इसको एक बार आप बना के ट्राई करिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस हो गया है, अभी मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और लीजिए, हमारा बथुए का साग तैयार है। और इसको खाइए, एंजॉय करिए। आई होप आपको बथुआ साग की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।